बोधन कॉलोनी में शराब ठेका खोलने के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठी महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि मंदिर और स्कूल के पास खुले हुए शराब के इस ठेके के कारण छोटे बच्चों और बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर ने इनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में ठेका बंद करवा दिया जाएगा। सही है कि हम ठेका बंद कराना चाहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुएं बहन बेटियां हैं, निकल नहीं सकती फिर वहाँ से, और वहाँ हमारे पास स्कूल भी है और वो भी है, तो हम चाहते हैं कि ये ठेका बंद हो और मंदिर, और हमारे को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, हमारा पोस्टर वगैरह फाड़ दिया हम 15 दिन से, ठेके वाला है जिसने दुकान दी है और दुकान अम्मा की है, अम्मा को भी धमकी मिल रही है और बहू को भी धमकी मिल रही है। हाँ जी, हम कलेक्टर से मिल रहे हैं। कितने दिन हो गए धरने में बैठे? हम 15 दिन हो गए हमें। ये ठेका का मामला है सर। हाँ, तो ये हमारे पास शराब का ठेका खुल रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं हम। 15 दिन से बैठे हैं वहाँ, 15 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 15 दिन के बाद हम कल भी आए यहाँ, कल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, आज फिर आए हैं, आज हमारी सुनवाई हुई है। तो आज हमारी 2 दिन को टाइम दिया है, 2 दिन बाद ये हमेशा खतर बंद हो जाएगा। नज़दीक है, पास पास में, हाँ पास पास में ही है, पास, हाँ। और हमारा वही मकान हो गया, वही हमारा बच्चा है, वही हमारा रास्ता है निकलने का। कौन सी जगह है? बोधन कॉलोनी है।